हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो फ्री फोटोग्राफी कोर्सेज। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी। राइट, ये हमारी सीरीज का नाम है पैशन का भूत और इसमें इन टोटल 13 वीडियोस आपको मिलेगी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 के बारे में। इन टोटल 5 प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए सर्च किए हैं। कुछ प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल लेवल पर होंगे, कुछ प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट लेवल पर होंगे जो आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड फ्री में कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मैं पहले आपको बेसिक कोर्स बताता हूं। अगर आपको इंस्टाग्राम फोटोज क्लिक करनी है या फिर आपको फेसबुक पर फोटोज क्लिक करके डालनी है, थोड़ा शो ऑफ करना है, तो बेसिक लेवल का कोर्स होंगे 1.5 2 आवर्स से रिलेटेड, तो आप वो कोर्स करके अपना करियर एज अ पार्ट टाइम फोटोग्राफर इंस्टाग्राम के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अगर प्रोफेशनल लेवल पर जाना है, प्रॉपर अपना करियर आपको फोटोग्राफी में बिल्ड करना है, तो आपको 20-30 आवर्स के कोर्स भी हम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज craftsea.com। यहाँ पर 1.5 आवर का कोर्स होगा। ये कोर्स करके आपको ये समझ में आ जाएगा फोटोग्राफी वर्ल्ड वर्क कैसे करता है और बेसिक लेवल से आप अपनी फोटोग्राफी करियर को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। करियर इन द सेंस, मेरी बात समझना, इंस्टाग्राम पर क्लिक करके आपको फोटोज डालनी है या फिर फेसबुक पर आपको क्लिक करके मम्मी पापा की फोटोज डालनी है। बच्चे तो फेसबुक पर फोटो डालते नहीं है। राइट, सेकंड प्लेटफॉर्म है carltaylor.education.com। इनकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा आई है क्योंकि ये खुद कैमरामैन है, तो इनके पास सारे 4K कैमरा होंगे। आप 2-3 वीडियोस देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। इनको पता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, तो इनका कोर्स काफी अच्छा है। 1.5 आवर्स का ये कोर्स होगा। थर्ड कोर्स है थोड़ा सा डिटेल में learnwithjarad.com। यहाँ पर ये 4-5 आवर्स का एक कोर्स मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको बेसिक से मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे नेचुरल सनलाइट में, और आपको जो लाइट्स वैसे वाली होती है, जो स्टूडियो लाइट्स होती है, उनमें कैसे शूट करना है, लेंस क्या होता है, लाइटिंग क्या होता है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है, फोकस क्या होता है, मैनुअल मोड क्या होता है, ऑटो मोड क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में बताया जाएगा। ओके, तो आपने बेसिक कर लिया, आपको मन है थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने का, तो आप इस कोर्स तक जा सकते हो। अब आते हैं फोर्थ कोर्स की तरफ। अब अगर आपको प्रोफेशनल करियर अपना फोटोग्राफी में बनाना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, बिकम अ फोटोग्राफर। lynda.com पर ही आपको कोर्स मिलेगा। 19 आवर्स का डिटेल्ड कोर्स होगा, जहां पर आपको फोटोग्राफी फर्स्ट स्टेप्स, इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफी 101, फोटोग्राफी फाउंडेशन, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ करना है, पहले आप 3-4 कोर्स करेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर आप नेक्स्ट कोर्सेस करके उसको फाइनली कंप्लीट कर सकते हो। राइट, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इसका एक बार 1 मंथ के लिए पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना, और उसके बाद अपना कोर्स आप यहां से कंप्लीट करके पूरा का पूरा सर्टिफिकेट भी फ्री में ले सकते हैं। राइट, एक है YouTube चैनल, यहां पर आपको 1.5 आवर्स के 20-25 लेक्चर्स मिलेंगे, और ये पूरे के पूरे अगर आप कंबाइन करोगे 22 आवर समथिंग कोर्स बैठता है, और बहुत ही डिटेल में है। मतलब ये हिस्ट्री से पढ़ाएंगे कि फोटोग्राफी कैसे आया, कहां से आया, कैसे जन्म हुआ, बिल्कुल डिटेल में, जिसे कहते हैं बैक टू फ्रंट। ओके, सो ये पूरे कोर्स के कंबाइन व्यूज आप देखोगे तो 3.1 लाख होंगे। सार्थक, ये तो बहुत कम है। कॉमेडी बहुत बड़ा जॉनर है, सारी ऑडियंस कॉमेडी को लाइक करती है। एजुकेशन कम छोटा जॉनर है, तो उससे थोड़ा सा छोटा है। फोटोग्राफी उससे भी छोटा जॉनर है, तो अगर फोटोग्राफी पे 3 लाख व्यूज है ना, काफ़ी अच्छी बात है, जिसमें सारे लेक्चर 1 आवर के हैं। ये सब उन्होंने ही देखे होंगे जिनको अपना प्रैक्टिकली करियर फोटोग्राफी में बनाना होगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा ब्रीफ में करियर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कैमरा कैसे वर्क करते हैं, एक्सपोजर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना, आप कई बार परेशान हो जाते हो, हाय मैं क्या करूं, कैसे मैं फोटोग्राफी में करियर बनाऊं। जो वो डिटेल्ड बुक भी आती है ना गाइड, उस वो भी इतनी मोटी होती है जो कैमरे के साथ आती है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना कुछ जानने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैनुअल मोड में मुझे शूट करना है। ऑटो पे सब कुछ कैमरा करेगा, मैनुअल पे सब कुछ आप करोगे। राइट, तो मैनुअल मोड पे अगर आप क्लिक करके और वहां पे अच्छे से थोड़ा बहुत भी शूटिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, फोटोग्राफर्स आखिर करते क्या है, एक लाइन में बहुत अच्छा समअप यहां पर हुआ है। फोटोग्राफर्स टेक पिक्चर ऑफ पीपल, लैंडस्केप और थिंग्स, खत्म। राइट, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफर, आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स मिलते हैं जिनका अपना खुद का स्टूडियो होता है, वहां पर सेटअप करके वो फोटोज क्लिक करते हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हो उनके भी तो शूट होते होंगे, वो कौन सा मोबाइल से शूट होता है, नहीं, प्रोफेशनल उनकी फोटोग्राफी होती है लाइट्स वगैरह के साथ। राइट, तो वो आगे हमारे कमर्शियल फोटोग्राफर्स। एरियल फोटोग्राफर, सनराइज होता हुआ किसी भी मूवी में दिखता है, जैसी मूवी स्टार्ट होती है ना सनराइज होता है, फिर आपको कुछ क्रो वगैरह आराम से आसमान में जाते हुए दिखेंगे, उसके बाद एक सीन आता है, तो जो स्टार्टिंग में आपको एरियल व्यू दिखते हैं ना, उनके भी फोटोग्राफर्स होते हैं। राइट, साइंटिफिक फोटोग्राफर, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूज़ फोटोग्राफर जितने भी हमारे प्रेस वाले हो गए, फाइन आर्ट फोटोग्राफर, ये भी आपको नाम से पता चल रहा है। वेडिंग फोटोग्राफी, अगेन बहुत बड़ा जॉनर है और धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। दुनिया को अब ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर जरूर पता चलना चाहिए। बाहर कैसे पता चलता है, फोटोग्राफी के थ्रू। राइट, फैशन फोटोग्राफर, आप दीदी पे फोकस मत करें, आपको सिर्फ ये याद
रखना है कि जितने भी मॉडल्स वगैरह के फोटोज होते हैं वो आपके फैशन फोटोग्राफी में आते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पहले ये बहुत बड़ा जॉनर था, अब ये उससे भी बड़ा जॉनर धीरे धीरे बनता जा रहा है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह ये सब चलता रहता है तो उसमें फोटोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉरेंसिक फोटोग्राफर जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई कहीं पर जिसे कहते हैं ना वारदात हुई है तो वहाँ पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फॉरेंसिक फोटोग्राफर्स का भी यूज़ होता है। एंड फिल्म फोटोग्राफर, ये तो आपको नाम से पता चलता है, जितने भी फिल्म में फोटोग्राफर्स की यूसेज होता है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फोटोग्राफी करियर्स की अगर बात करें, फोटो जर्नलिस्ट, फाइन आर्ट फोटोग्राफर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, स्टूडियो फोटोग्राफर एंड फ्रीलांस फोटोग्राफर, टिपिकल एम्प्लॉयर्स, मतलब आप कहाँ कहाँ पर जॉब करते हो फोटोग्राफर बनने के बाद। आप एजेंसीज में जॉब करते हो, आप पिक्चर लाइब्रेरीज में जाते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैटलॉग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हॉस्पिटल, मेडिकल पब्लिशर्स, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज एंड ऑक्शनियर्स, यहाँ पर आप हर जगह जॉब करोगे। कुछ क्वालिटीज़ या स्किल्स की अगर बात करें जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, उनका नाम है इंटरपर्सनल स्किल्स, डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना आना चाहिए। कस्टमर सर्विस स्किल्स, अगर कस्टमर को फोटो पसंद नहीं आई कितनी भी अच्छी फोटो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अपने क्रिएटिव जोसेस को आपको अंदर रखना होगा, राइट। कंप्यूटर स्किल्स, बिजनेस स्किल्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। प्रोज ऑफ बिकमिंग अ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर बनने के फायदे क्या है, आपके जो क्रिएटिव जूस है ना उनको ऐसे निचोड़ के आप यहां पर यूज कर सकते हो। पॉपुलर एंड हाई स्किल्ड फोटोग्राफर को यहां पर बहुत ज्यादा पे आउट मिलता है, लेकिन ये इंडस्ट्री छोटी है, मतलब इतने ज्यादा फोटोग्राफर्स की कहीं पर जरूरत नहीं होती, तो जो रेगुलर फोटोग्राफर्स होते हैं उनको ऐसा सैलरी यहां पर नहीं मिलती है। मैं आपको सैलरी भी आगे डिस्कस करके बताऊंगा। और सेल्फ प्रमोशन आपको यहां पर करना होगा, कोई एक ऐसी कंपनी नहीं होती जहां पर 500 फोटोग्राफर्स वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपको प्रॉब्लम आती है प्रमोशन में, कोई एक कंपनी आपके लिए काम नहीं करती, आपको खुद अपने आप को प्रमोट करना होगा और अपनी जो ब्रेड एंड बटर है वो सेल्फ अर्न करना होगा, राइट। कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे, 1 ट्रिलियन फोटोज हर साल ऑनलाइन वर्ल्ड में अपलोड होती है। 1 ट्रिलियन फोटोज, इसको कैलकुलेटर पर तो आप निकाल नहीं सकते, आप इसको गूगल पर जरूर टाइप करना। ऑन एन एवरेज 95 मिलियन फोटोज पर डे इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है, 95 लाख फोटोज इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं, और फेसबुक पे होती है 300 मिलियन। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को एक फोटो से खुशी नहीं मिलती ना, वो तो 3-4 फोटो अपलोड करेंगे, एक ऐसे पोज में फिर एक ऐसे पोज में, राइट। तो जस्ट ट्रिपल यहां पर आपको फेसबुक पे 300 मिलियन फोटोज मिल जाएंगे, मतलब 3 करोड़ फोटो डेली बेसिस पर फेसबुक पर अपलोड होती है। आप सोचो सर्वर कितना लगता होगा, सर्वर मतलब जैसे घर बनाने के लिए जमीन चाहिए होती है ना, वैसे ये डेटा को रखने के लिए सर्वर चाहिए होता है, तो इनके सर्वर भी आपको कई एकड़ में मिलता है, राइट। की प्लेयर्स की अगर बात करें, जो इस इंडस्ट्री में की प्लेयर्स होंगे वो होंगे सोनी, पैनासोनिक, निकॉन, कैनन और बाकी सारे प्लेयर्स आप चेकआउट कर सकते हो। आपको करियर नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको करियर बनाना है तो पता होना चाहिए कौन कौन से ब्रांड्स हमारे वर्ल्ड में वर्क करते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स पर, बिल्कुल ट्रू सैलरी मैंने यहां पर रखी है, एज सच मैंने इधर उधर की इंक्रीज करके नहीं लिखा। वेडिंग फोटोग्राफी, अगर आपको कोई मोटी पार्टी फंस जाती है, कोई मोटी पार्टी अगर फंस जाती है तो आप उससे 1 लाख रुपीज पर डे भी चार्ज कर सकते हो, नहीं तो 10 to 15,000 एक टिपिकल वेडिंग फोटोग्राफर चार्ज करता है। बाकी सारे फोटोग्राफर्स भी आप देखते हो तो 15,000 से लेकर 25,000 तक चार्ज करते हैं। डिग्री डिप्लोमा की अगर बात करें, बैचलर्स ऑफ आप डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, ज्यादातर फोटोग्राफर आपको डिप्लोमा करते हुए मिलेंगे। बीए ऑनर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में मिलते हैं बहुतों पे, और बीएफए भी काफी फोटोग्राफर्स के पास होता है। ज्यादातर फोटोग्राफर्स डिग्री नहीं लेते, वो धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और 4 to 5 months वो किसी सीनियर फोटोग्राफर के साथ काम करके सारा काम सीख जाते हैं और उसके बाद वो काम को ओवरटेक कर लेते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जहां जहां मेरी वॉइस बम्बल हुई दिल पे मत लेना, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। और हम कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं, जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, जितने भी कॉमर्स के करियर्स हैं, जितने भी कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम हैं, जितने भी कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, सबसे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो यहां पर मिलने वाली है। और अगर आपको चाहिए कॉमर्स रिलेटेड स्टफ देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए, और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।